Hello students, today I shall teach about a poem. The poem name is A Tiger in the Zoo. Chidiyaghar mein ek tiger. In this poem, the poet tells about that two tigers. First tiger is who lives in the zoo, and second tiger who lives in the forest. What is the reaction both tiger who lives in the zoo and who lives in the forest? There is the difference between two tigers. In this poem, the poet describes according to this poem. First stanza, here is first stanza. He starts in his vivid stripes, the few steps of his case, all pads of velvet white, in his quiet grace. The first stanza, the poet tells about that the tiger who lives in the zoo. What is the reaction that tiger who lives in the zoo? पहले स्टैंडा में कभी ऐसे टाइगर के बारे में बताता है जो कि जू में रहता है. फर्स्ट लाइन, ही स्टार्ट इन हिज विविड स्ट्राइप्स. स्टार्ट मीन्स हो गया टहलना, धीरे धीरे चलना. विविड, विविड मीन्स हो गया ब्राइट, चमकीला. स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स मीन्स हो गया धारियां, यानी जो टाइगर के पीठ पर, बैक पर धारियां बनी होती है, तो स्ट्राइप्स हो गई. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में कुछ कदम चलना. तो ही यूज फॉर टाइगर, ही का उपयोग जो है टाइगर के लिए यहाँ पे इस पोएम में किया गया है, और एनिमल की तरह से इट का उपयोग होता है, लेकिन यहाँ पे पोएट ने ही का उपयोग किया है क्योंकि वो कुछ टाइगर के बारे में बताना चाहता है. तो ही स्टार्ट इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. वह, यानी टाइगर, अपने चमकीली धारियों के साथ धीरे धीरे चलता है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में कुछ कदम, अर्थात अपने पिंजरे में कुछ कदम वह अपने चमकीली धारियों के साथ जो है वो चलता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, इन हिज क्वाइट रेस. ऑन पैड्स, पैड्स का मतलब यहाँ पे है पास, PAWS, पास मतलब पंजों से, यहाँ पे टाइगर के पंजों से मतलब है. वेलवेट का मतलब यहाँ पे हो गया सॉफ्ट या कोमल या मखमल कह सकते हैं. क्वाइट मतलब शांत, तो उसके जो पंजे हैं वो एकदम कोमल अवस्था में है, यानी जब वो चलता है तो कोई आवाज पंजों से नहीं निकलती है. इन हिज क्वाइट रेस, हियर इज टू वर्ड्स अपोजिट क्वाइट एंड रेस. क्वाइट मीन शांत, रेस मतलब एंगर, क्रोध. तो नेचुरल हैबिटेट क्या है टाइगर की, वो एंगर में रहता है, क्रोध में रहता है. जब नेचुरल अवस्था रहेगा तो क्रोधित दिखेगा. तो यहाँ पे बताया गया है कि ही स्टार्ट इन हिज विविड स्ट्राइप, वह अपने चमकीली धारियों के साथ टहलता है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके जो पंजे हैं वो बहुत ही जो है शांत अवस्था में है, यानी धीरे से शांत अवस्था में पड़े हैं. इन हिज क्वाइट रेस, और उसकी जो नेचुरल हैबिटेट है क्रोध में रहने की, वो क्रोध में न रहते हुए वो पिंजरे में शांत अवस्था में है. सेकेंड स्टैंजा, द पोएट टेल्स अबाउट दैट टाइगर हु लिव्स इन द फॉरेस्ट. सेकेंड स्टैंजा में टाइगर के बारे में कवि बताता है कि जो जंगलों में रहते हैं उनकी वो कैसे रहना चाहिए. जंगलों में रहते हैं उनकी ऐसे प्रक्रिया होनी चाहिए, जो पिंजरे में है उसकी अवस्था है वो शांत है,
धीरे धीरे कुछ कदम चलता है, अपने क्रोध के विपरीत है। तो ऐसे बता रहा है कि टाइगर जो जंगल में रहता है उसकी क्या अवस्था होती है, ही शुड बी लर्किंग इन साइडो, उसे यानी टाइगर को एक छाया में छिपे होना चाहिए, लर्किंग मतलब हिडन, छिपा होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घासों में से हमको स्लाइडिंग धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, फिसलना चाहिए, मूव करना चाहिए, घूम आगे बढ़ना चाहिए। तो ही शुड बी लर्किंग इन साइडो, उसे छाया में जो है छिपा होना चाहिए, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घासों से होकर फिसलना चाहिए। अर्थात जो जंगल में लंबी घासें होती हैं उनमें टाइगर जो है हिडन रहता है, छिपा हुआ रहता है, और उसी लंबी घास को फिसल कर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, फॉरवर्ड होता है, यानी आगे धीरे धीरे वो फिसलता रहता है। किस चीज़ के लिए फिसलता रहता है? फॉर प्रे, फॉर हिज प्रे, यानी अपने शिकार के लिए, पी आर वाई प्रे मतलब शिकार के लिए वो आगे आगे फिसलता रहता है। नियर द वाटर होल, जहाँ पर जो है क्या रहते हैं, पानी रहता है, जहाँ पर पानी रहता है, तालाब रहते हैं, पॉन्ड रहता है, झील रहती है, वहाँ पर नियर द वाटर होल, जहाँ पर वो पानी रहता है उसके पास हो जाता है। वह प्लम्प डियर पास, जहाँ पर प्लम्प मतलब फैट यानी मोटे, स्ट्रांग डियर मजबूत हिरन, हेल्दी हेल्दी डियर यानी स्वस्थ हिरन, मजबूत हिरन, प्लम्प डियर यानी मोटे हिरन पास गुजरते हैं, यानी जहाँ पर तालाब के किनारे मोटे हिरन पानी पीने के लिए आते हैं, वहाँ पर उन लंबी घासों में जो टाइगर होता है वो छिपा हुआ होता है और धीरे धीरे उस अपने शिकार के लिए आगे बढ़ता है। थर्ड स्टैंजा सेम, द पोएट टेल्स अबाउट द सेम टाइगर हु लिव्स इन द फॉरेस्ट, यानी जो जंगल में रहता है टाइगर, उसके बारे में व्हाट इज द रिएक्शन, तो द पोएट टेल्स अबाउट दैट रिएक्शन, हु लिव्स इन द फॉरेस्ट टाइगर, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस, उसे घरों के पास दहाड़ना चाहिए। स्नॉर्लिंग होता है रोरिंग, रोरिंग मतलब दहाड़ना, आवाज निकालना, एक्शन करना, क्रिया करना, एक्शन करना, क्रिया करना, अराउंड घरों के पास, अराउंड हाउसेस, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस, उसे घरों के आसपास दहाड़ना चाहिए। एट द जंगल एज, फॉरेस्ट एज मतलब कि जंगल के किनारों पर आकर, जंगल के किनारे जो गांव बसे हैं उनके किनारों पर आकर उसे दहाड़ना चाहिए। बारिंग हिज वाइड फैंग्स, बारिंग हिज वाइड फैंग्स, हिज क्लॉज, बारिंग मतलब शो करना, प्रदर्शित करना, तो उसे अपने सफ़ेद शार्प यानी नुकीले तेज दांतों को दिखाना चाहिए, हिज क्लॉज और अपने पंजों को दिखाना चाहिए। टेरोराइजिंग द विलेज, जिससे गांव में रहने वाले लोग या गांव के लोग डर जाए, यानी गांव के लोग डर जाए, या ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस, घरों के आसपास आकर टाइगर को दहाड़ना चाहिए। एंड द जंगल सेज, जंगल के किनारे आकर, बारिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, और अपने चमकीले नुकीले दांतों को दिखाना चाहिए और अपने पंजों को दिखाना चाहिए, जिससे क्या होगा, टेरोराइजिंग द विलेज, जैसे गांव में रहने वाले लोग उससे डरे। हियर इज थ्री स्टैंजा, आई टेल टू यू द मीनिंग ऑफ थ्री स्टैंजा एंड रिमेनिंग टू स्टैंजा द नेक्स्ट वीडियो, आई विल टेल द मीनिंग ऑफ नेक्स्ट रिमेनिंग टू स्टैंजा। थैंक्स।